नमस्ते। कक्षा 7 बाल लीला। बाल लीला का वर्णन में सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के बासल वर्णे में मर्मज्ञ, मीरा जी उपासिका, बाबा तुलसीदास जी राम भक्त धारा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ। घर परिवार में शिशु का जन्म बहुत ही आह्लादकारी होता है। परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। शिशु जैसे तैसे बड़ा होता है और वह जीवन में कुछ न कुछ करता रहता है। उसके किलकारियां, भाव, भंगिमा, कर्तव्य, रूठना, मचलना सब कुछ प्रिय और मंगलकारी प्रतीत होता है। फिर वही शिशु बाल कृष्ण हो तो कहना ही क्या, जिसने एक बार उस रूप में मन में ये बिठा लिया हो कि उसका जन्म सफल हो जाता है। सूरदास जी जन्म से ही देख नहीं पाते थे, फिर भी कृष्ण के बाल रूप का जितना सुंदर वर्णन है उन्होंने किया, कोई अन्य कवि नहीं कर पाया। यह कैसे संभव हुआ? बासल वर्णन में बालक सूरदास की बचपन की वर्णन किया जाता है, जो इस प्रकार है। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनि सो नाचत, मनहि मनहि रिझावत, बाह उठाई काजरी धौरी, गैयन टेरी बुलावत। कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। कबहू चितय प्रतिबिंब खम्ब में, लोनी लिए खवावत। दूर देखत जसुमत यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। तनक तनक चरणन सो नाचत, धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर चलते हैं, नाचते हैं। मन ही मन रिझावत, मन ही मन बड़ा खुश होते हैं, फिर चलते फिर खुश होते। बाएं उठाकर इधर उधर अपने हाथ में सामान लिए हुए दौड़ कर जाते हैं। गैयन टेर बुलावत, गायों को बड़ा जोर से बुलाते हैं। कबहू के बाबा नंद पुकारत, कभी पुकारते हैं, नंद जी ये गायों के पास हमें जाना है। कबहू के घर में आवत, कभी घर की ओर आते दिखाई देते हैं। माखन तनक आपने कर ले, मक्खन को अपने हाथों में लिए हुए घूमते हैं। तनक बदन में नावत, कुछ मक्खन को अपने शरीर में उड़ेल लेते हैं, लगा लेते हैं। कबहू के चितय प्रतिबिंब खम्ब में, कभी कभी खम्भे में अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। लोनी लिए खिलावत, और मक्खन को खिला रहे हैं। सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। सूरदास जी कहते हैं ये यशोदा माता दूर से दूरी देखत जसमत ये लीला, हरस आनंद बढ़ावत। यशोदा जी दूर से ही कृष्ण की लीलाओं को देखती हैं, बड़ी खुश होती हैं, बड़ा आनंदित होते हैं। सूर श्याम के बाल चरित नित ही नित देखत भावत। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन
देख देख कर यशोदा जी बड़ी खुश होती हैं और आनंदित होकर अपने लाडले को उनके क्रियाकलापों को देखने का प्रयास करती हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, हरि अपने आंगन कुछ गावत इस पंक्ति में हरि शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। हरि के दो अर्थ होते हैं, हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने कृष्ण भी है। ये प्रश्नोत्तर शब्दार्थ बालक लिखेंगे और याद करेंगे।